श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली में किसान नेताओं ने कहा कि जब किसान इस कृषि कानून की मांग नहीं कर रहे हैं तो केंद्र सरकार किसानों पर यह कानून क्यों थोप रही है। नेता गोपाल डांगला ने बताया कि दिल्ली में पिछले 2 महीनों से किसान इतनी भयंकर ठंड में बैठे हैं, उनके समर्थन में इस ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। वहीं केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक यह काले कानून वापस नहीं ले जाते, किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अनूपगढ़ तहसील के अंदर किसान नेताओं के द्वारा आज जो है विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन ग्राम पंचायत सात एजी कमरानिया सलेमपुरा के अंदर जो है आयोजन किया गया। ये जो काले कानून केंद्र की सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। आइए किसान नेताओं के साथ बात करते हैं कि इनकी क्या मांग है। जी, क्या कहना चाहेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके किसानों के तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के समर्थन के अंदर इन 6 ग्राम पंचायतों में जो किसान है स्वयं भी अपने आप अपने अपने ट्रैक्टर लेकर के, अपने जीप कार लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के सड़कों पर निकले हैं ताकि उन किसानों का समर्थन कर सकें जो खुले आसमान के नीचे इस सर्दी की ठिठुरती रातों के अंदर वहां पर बैठे हुए हैं। हम उनका समर्थन करने के लिए और इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए बैठे हैं। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हम सड़कों पर रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। तो क्या है ये जो काले कानून है, ये कहते किसी की मतलब वापस इनको करने पड़ेंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं करेंगे तो ये इसी तरह इनका आंदोलन जारी रहेगा, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जो बलदेव सिंह जी ने बताया है, हमारा हमारे जो किसानों के अंदर इतना रोष है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के किसान मजदूर दिल्ली की सड़कों पर होंगे और इनका मोदी और इसकी सरकार का हम दिल्ली से निकलना बंद कर देंगे। ठीक, आइए और बात करते हैं। सरकार कहती है जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सरकार कहती है ये कानून जो फायदेमंद है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? सरकार कह रही है ये जो कानून है ये किसानों मजदूरों व्यापारियों के लिए फायदेमंद है। नहीं है सर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल खिलाफ है। मैं तय करना चाहूंगा कि आजाद हिंदुस्तान में पहली क्रांति होगी ये सरकार के खिलाफ, और किसान एकता जिंदाबाद। ये तीनों कानून किसान के खिलाफ है और सभी किसान बगैर कोई पार्टी के, यहाँ जो किसान खड़े हैं ये कोई पार्टी विशेष के नहीं है, ये आम किसान है। इसमें न भाजपा है, न कांग्रेस है, न कांग्रेस कोई दल नहीं है, सिर्फ किसान है। और किसान एकता जिंदाबाद और तीनों कानूनों का विरोध जब तक मोदी वापस नहीं लेगा ये कानून विरोधी आंदोलन जारी रहेगा। तो ये किसान कह रहे हैं भी ये कानून जो है किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, इसको ये वापस करा के दम लेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये जो आज का आंदोलन चल रहा है, अब ये आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन है। जो बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ ये काला 3 कानून बना के ये लागू करना चाहते हैं, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। जो किसानों के बेटे आज आर्मी में बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जो ये बीजेपी सरकार हमारे को गुलाम करना चाहती है, जो गोरों से आजादी ली थी, हमारे कुर्बानियां दे के वीरों ने ये आजादी प्राप्त की थी, आज हम गुलामी के अंदर फिर पीड़ित हो रहे हैं। हमारे को आजादी का क्या मतलब है, आजादी किस तरीके की है? ये आजादी को, इस आजादी को हम उजागर करना चाहते हैं। हम नहीं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन चलता रहेगा, हम सड़कों पर रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो देखो किसानों के अंदर, युवा बुजुर्ग के अंदर कितना जोश है, बिना किसी पार्टी के झंडे के डंडे के ये जो है सभी पार्टियों के जो जुड़े हुए हैं ये एक होकर इस कानून के खिलाफ यहाँ लड़ रहे हैं, धरातल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली में जो पिछले 50-60 दिन से जो किसान इतनी ठंड के अंदर बैठे हैं उनके समर्थन में ये इन्होंने आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। कैमरामैन राहुल के साथ सुभाष बोयत, साधना न्यूज, राजस्थान।